तो ये जो बैटरी जिन्होंने सोच की है वो टाटा कॉम से की है, ई इलेक्ट्रिक का। ये ई जो है ये मर्सिडीज इंस्पायर्ड क्यों लग रहा है? निखिल इज 6'1". लेट मी शो यू, दिस इज द थाई सपोर्ट, एप्पल इंस्पायर्ड बटन्स, एप्पल इंस्पायर्ड बटन्स। इसकी जो मोटर है वो इतनी नीचे है कि एक बिलांग भी मेरा नहीं आ रहा, दैट मीन्स ग्राउंड क्लियरेंस काफी नीचे है। और दिस राइट हियर इज द एमजी कॉमेट, राइट नाउ इंडिया की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल। कितनी छोटी अगर आप मुझसे पूछोगे, टाटा नैनो आपने देखी हो, और अगर आपको लगता हो कि नैनो थोड़ी छोटी है, अगर आप इसको देखोगे तो आप बोलोगे ये उससे भी ज़्यादा छोटी है। अगर आप साइड में आओगे तो आपको नजर आएगा कि जो व्हील बेस है वो भी इसका नैनो से लगभग 220 mm के आसपास कम है, और जो टायर साइज है 12 इंच ऑफ कोर्स आपको सारे मिलते हैं। व्हील बेस के साथ में लंबाई भी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो नैनो जो है वो इससे ज़्यादा है, विड्थ नैनो की ज़्यादा है, ऊंचाई नैनो की ज़्यादा है, बूट स्पेस नैनो का ज़्यादा है। बूट स्पेस की बात करूँ तो आपको बूट स्पेस एक बार दिखा देता हूँ मैं कि कितना आपको मिलता है। अगर ये सारी सीट्स यूज़ कर रहे हो आप और अगर बैग रखने की आप कोशिश करोगे तो ये सीट या तो आगे होगी या बैग पीछे होगा, तो ये आपको बूट स्पेस मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस एक्चुअली कंपनी ने अनाउंस ही नहीं किया है। अब अगर आप पीछे की तरफ आओगे, उसे नहीं अनाउंस करने का लॉजिक आपको समझ में आएगा, वो ये कि इसका जो एक्सल है और इनफैक्ट इसकी जो मोटर है वो इतनी नीचे है कि एक बिलांग भी मेरा नहीं आ रहा, दैट मीन्स ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी नीचे है, और इसी वजह से सस्पेंशन जो है उस हिसाब से ट्यून किया गया है कि ज़्यादा बाउंसी ना हो। अब होता है नहीं होता है, कितना फ़र्क है वो मैं आपको फर्स्ट अपने इंप्रेशन में बताऊंगा, फर्स्ट ड्राइव वीडियो जो कि 27 तारीख को आएगा। वैगनार अगर आपको बॉक्सी लगती है तो ये वैगनार से भी ज़्यादा बॉक्सी है, काफ़ी बॉक्सी। बोनट तो है ही नहीं भैया, ये देख रहे हो सिर्फ वायरिंग के लिए कुछ सामान छोड़ा हुआ है, तो काफ़ी बॉक्सी है। अब अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाता हूँ कि क्या है, क्योंकि एक्सटीरियर आप बहुत बार देख चुके होंगे। एप्पल इंस्पायर्ड बटन्स, एप्पल इंस्पायर्ड बटन्स, इंटरेस्टिंग टच, 10.25 इंच, ये टच स्क्रीन है। ऑफकोर्स एसी जो है वो ऑटो में, मतलब आपको ऑटो फंक्शन नहीं मिलता है, सब चीज़ें मैन्युअली आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी ऑफकोर्स, जो सारी चीज़ें करनी है। फिर ये जो बटन देख रहे हो आप, ये इससे मोड चेंज होते हैं। अभी आपको इको मोड दिख रहा है, मैं इसको बटन दबाऊंगा, नॉर्मल हो गया, ये स्पोर्ट्स हो गया, और इसी को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस अगर आप करके छोड़ते हो तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल दिखा रहा है, ये रीजन लेवल्स है। एक बार और दबाया, लाइट हो गया, एक बार और दबाया, हैवी हो गया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाती है, फिर आपको एग्जैक्ट कंजम्पशन किस स्टाइल में हो रहा है, कौन से मोड में हो, ओडो की रीडिंग आपको यहाँ दिख जाती है, कौन से गियर में हो, मतलब ड्राइव में हो, न्यूट्रल में हो या रिवर्स में हो, डिजिटल स्पीडोमीटर आपको नजर आ जाता है, रेंज परसेंटेज कितनी है, रेंज कितनी बची है एस्टिमेटेड वो आपको बताता है, जो आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से आपको दिखाएगा ऑफकोर्स। फिर आपको यहाँ पर जो है TPMS वाली चीज़ दी गई है, TPMS रीसेट कर सकते हो, बट TPMS आपको वो नहीं दिया गया कि हर टायर में कितना प्रेशर है, अगर प्रेशर कम होगा तो सिर्फ आपको इंडिकेट कर देगा, दैट्स इट, सो काम चलाओ टाइप है। फिर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, ORVMs का वो चीज़ दिया गया, बट इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं होंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये डायल है, इससे आप न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स किसी में भी जा सकते हो। ये वाली जो सीट है आप इसको थोड़ा फोल्ड करोगे, आप इसको आगे करोगे और ऐसे आप अप्रोच करके बैठोगे, थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन हो सकता है, बट दिस इज हाउ यू गेट इन। अब स्पेशियसनेस की बात कर रहे हैं तो हम निखिल को इन्वाइट करते हैं। निखिल प्लीज सिट। एंड निखिल इज 6'1". लेट मी शो यू, दिस इज द थाई सपोर्ट, आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट, बट यू कैन डेफिनेटली सी, आई कैन डेफिनेटली शो यू, दिस इज़ द विड्थ, बॉल स्ट्रिंग ऑलमोस्ट कॉर्नर तक। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई, क्यों दी गई है, लेट मी शो यू। ये जो सीट बेल्ट है ना, अगर आप लगाओगे, आप लगा के दिखाओ एक बार, तो आप क्या करते हो, इसको ऐसे टक इन कर देते हो, दैट्स हाउ यू डू इट, स्लाइटली बेटर हो जाता है, बट जो को पैसेंजर है बेचारा उसके लिए कुछ भी नहीं है, और बहुत ही पीछे लगाई हुई है, यहाँ से भी आप देखोगे तो काफ़ी पीछे लगाई हुई है, और ना इसको आप ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो, वो चीज़ है। तो 6 फुट के हिसाब से ये वाली एडजस्टेड है। निकले एक बार 6 फुट के हिसाब से वो वाली एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ। अब दोनों सीट एडजस्ट हो गई है। अब इस वाली सीट से, ड्राइवर सीट से आप पीछे एक बार बैठ के दिखाना, इफ़ यू कैन सिट, दैट्स हाउ यू गो इनसाइड, टम्बल डाउन नहीं है, अंदर जा चुके हैं भाई, और नी सपोर्ट, आई एम सॉरी, थाई सपोर्ट, नीज यू कैन सी, इफ 2-6 फुट के बंदे आगे पीछे बैठ रहे हैं, दिस इज हाउ यू गोइंग टू सिट। 3-point seat belt ऑफकोर्स, देयर इज अ 3-point seat belt फॉर बोथ द पैसेंजर्स।
यहाँ पर मैं थोड़ा सा सामान रखा हुआ है क्योंकि 60-40 इनफैक्ट पूरा ऑलमोस्ट फ्लैट फोल्ड हो जाता है ये, दोनों सीटें फोल्ड कर सकते हो अगर आपको सामान रखना है और दो ही लोग ट्रैवल कर रहे हो, बट 3.1 सीट बेल्ट और आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है. सो ऑल ऑफ दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, सो दैट्स हाउ द इंटीरियर इज. डैशबोर्ड पे आप जो देख रहे हो ये भी एक बार को फैब्रिक लग सकता है, बट ये पीवीसी सॉर्ट ऑफ मटेरियल है, अगर इसमें पानी डालोगे तो पानी टिकेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो गिर जाएगा और आप इजीली कपड़े से साफ कर पाओगे. सो ओवरऑल दिस इज हाउ इट लुक्स. What do you think about its looks? Do let me know, especially the interior and the exterior. This is the grey color, you have the white, you have the red, I guess. Ek fir green sa bhi color hai aur fir customization ke bahut sare options aapko diye jayenge. To ye mota mota hisab kitab hai. Electric ka ye jo hai ye Mercedes inspired kyun lag raha hai? Aur baki charging ke liye aapko yahan pe socket diya gaya hai. If you press it, it'll come out. ये देख रहे हो आप, यहाँ पे स्लो चार्जिंग की सपोर्ट है, मतलब इसको कैप किया हुआ है. 3.2 किलोवाट के चार्जर से आप इसको चार्ज करोगे, फुल चार्ज करने में लगभग 8 घंटा लेगी, 7 से 8 घंटा. तो ये जो बैटरी जिन्होंने सोच की है वो टाटा कॉम से की है. इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे वो ये कि SAIC जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है MG की, इट्स अ चाइनीज स्टेट ओन फर्म, वो लोग की खुद की एक कंपनी है जो कि बैटरीज बनाती है. इनफैक्ट ZACV के अंदर भी वही आती है, बट पहली बार इन्होंने टाटा से सोर्स किया. और टाटा ने कहाँ से सोर्स किया, वो एक्चुअली किसी और चाइनीज प्लेयर हैं जिनसे सोर्स किया है, जो कि इनका डायरेक्ट राइवल है. नाउ दिस इज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग MG के सेंस में, बट MG ने ये किया है फॉर व्हाटएवर रीजंस. बट प्रिज्मैटिक बैटरी से लाइक आई सेड थोड़ी सी हायर डेंस आप बैटरीज अगर आपको लेनी हो, चार्ज जो है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है, बट ये वाली जो बैटरी है इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं इंक्लूडिंग टेस्ला, वो भी अपने स्टैंडर्ड रेंज वाली जो सारी कार्स हैं उनमें अब प्रिज्मैटिक सॉर्ट ऑफ बैटरीज ही यूज़ करने वाले हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज. चार्जिंग का टाइम मैंने आपको बता दिया कि 3.2 किलोवाट से अगर आप चार्ज करोगे तो आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे, और फास्ट आप चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि फास्ट सपोर्ट नहीं करता ये. इनफैक्ट जो वूलिंग एयर जो आती है कई मार्केट्स में, बेसिकली सेम कार विद वूलिंग ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग, वो 6.2 या 7.2 किलोवाट सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग, बट ये नहीं करती है, इसलिए आपको टाइम लगेगा. तो ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है इस गाड़ी के बारे में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये बहुत ही क्विक सॉर्ट ऑफ वीडियो है, इट्स इन अ वेरी रॉ फॉर्म. आई होप यू लाइक इट. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर इस तरीके के जल्दीबाजी वाले वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग जल्दीबाजी वाले वीडियोज़ करते हैं. सो दैट्स व्हाट इट इज. आई होप आपको वीडियो पसंद आता है आएगा. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.